वेलकम टू अनदर वीडियो। देखिए गाइस, आज की वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। बताते हैं कि यहाँ पे जियो फाइबर का जो प्लान है, जैसे कि किस मंथ बिल आएगा, क्या आएगा, क्योंकि गाइस अब मेरा बिल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली दिखा दूंगा कि किस टाइप का यहाँ पे मेरा बिल आ रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हर टाइप का बिल आ रहा है और मैं बताऊंगा कि क्या चीज, अगर आपको स्कैम लगती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ ये बिल्कुल स्कैम है। तो देखिए, मेरा जो बिल है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए मैं बिल भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कितना बिल आया है। तो देखिए गाइस, ये पोस्टपेड जो है वो थोड़ा अलग है दूसरों से, क्योंकि गाइस देखिए ये पोस्टपेड मुझे काफी अच्छा लगा और काफी बुरा भी लगा है। तो देखिए गाइस, इसमें जो मेरा यहाँ पे बिल आया है, देखेंगे 7706। तो देखिए ये 599 का प्लान है एंड 80% जीएसटी के साथ ये इतना ही होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना मेरा बिल आ चुका है। तो देखिए, मेरे पास कस्टमर केयर का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे बिल भर दीजिए। तो मैंने बोला यार ये तो प्रीपेड है, क्योंकि हमें प्रीपेड बोल के लगाया गया था। नहीं, बोलते यहाँ पे प्रीपेड प्लान नहीं है एयर फाइबर में, लेकिन ये पोस्टपेड से अलग है। तो देखिए मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि 1 महीने का एडवांस पेमेंट चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3200 रुपए दिए थे तो मुझे 3 मंथ फ्री मिला था। तो जैसे कि मैंने 21 जून को लगाया था, तो 21 जून से 21 जुलाई 1 महीना, फिर 21 जुलाई से 21 अगस्त 2 महीना, और 21 अगस्त से 21 सितंबर, तो यहाँ पे 3 महीने हुए। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे 1 महीना एडवांस आपको पेमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कोई भी लेट चार्जेस ये सब फाइन वगैरह नहीं लगता है। अगर आप यहाँ पे इसको अगर आप नहीं भरना चाहते तो मत भरो आपका, लेकिन क्या होता है कि 57 डेज के अंदर आप एक बार मतलब रिचार्ज कर लेना, जिससे आपका प्लान एक्टिव हो जाए। क्योंकि गाइस देखिए, आप वो बोल रहे थे कि 57 डेज बाद अगर आप नहीं करोगे तो आपका ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा वहां पे बोल रहे थे, मतलब 2 महीने तक। तो इसमें देखिए कोई भी आपको फाइन नहीं लगेगा, जैसे कि आप रिचार्ज करोगे तो वहां से चलने लगेगा, फिर आपका वहां से बिल जनरेट होने लगेगा। तो ये 706 है। देखिए अभी मैं नहीं चलाऊंगा तो मेरा 30 तारीख को क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा गाइस, फिर जब यहाँ से अब जब मैं रिचार्ज करूंगा, मतलब सोचिए 20 दिन 25 दिन, तो फिर मेरा वहां से स्टार्ट हो जाएगा वो। तो ये 70 दे दिया, फिर ये मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट है उनके पास, फिर इसमें से चला, फिर बिल जनरेट करके हमें दे देंगे, फिर हम नहीं भरेंगे तो फिर, तो ऐसा करके। तो देखिए ये सिस्टम थोड़ा मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें एक ही गड़बड़ी मुझे लगी कि 57 डेज बाद बोल रहे हैं पूरा ब्लॉक हो जाएगा। पता नहीं, देखिए वो तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि हमें तो अभी 20-25 दिन तक रिचार्ज नहीं कराना, क्योंकि हमें बाहर जाना है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है जियो फाइबर का कि यहाँ पे ये प्रीपेड नहीं है, पोस्टपेड है, लेकिन पोस्टपेड से अलग है। क्योंकि देखिए जब आप पोस्टपेड सिम लेंगे तो उसमें बिल आता रहता है, चाहे यूज करिए ना करिए। इसमें यूज करेंगे तो देंगे, नहीं यूज करेंगे तो नहीं देंगे। लेकिन ये 57 डेज बाद बंद हो जाएगा, ये थोड़ा इसमें मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ऐसे मतलब कि अगर सपोज करिए कि कई लोग 57 डेज के लिए बाहर चले गए तो फिर उनका ब्लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा बोल रहे थे। पर मैं एक बार और कंफर्म करके एक बार और भी आपको वीडियो बता दूंगा। तो छोटी सी वीडियो में यही बताने थे कि काफी लोग का ये कमेंट था। तो देखेंगे, मेरा बिल आ चुका है, मैं अभी भरूंगा नहीं, मैं 20 दिन बाद भरूंगा। तो 20 दिन बाद मेरा यहाँ पे फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एडवांस पेमेंट इसमें रह रहा है कि कंपनी को लॉस ना लगे। तो ये इनका कुछ आइडिया होगा, मुझे आइडिया नहीं है कि लॉस में लगेंगे कि घाटा में, इन लोगों को क्या है। ये लोग अपना दिमाग लगा के इन्होंने प्रॉफिट के लिए ये एयर फाइबर लॉन्च किया और 1 महीने का एडवांस पेमेंट इसीलिए ले रहे हैं कि अगर कस्टमर नहीं देगा तो हम उनका बंद कर देंगे सर्विसेज। तो और देखिए, बाद में अगर आप पेमेंट करोगे तो ज्यादा नहीं लगेगा, जितना पेमेंट है उतना, क्योंकि आपने आपका ऑलरेडी एडवांस पेमेंट है उनके पास, तो फिर उस पर कोई इंटरेस्ट लगने का कोई बात ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।